हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईक्यू टैप। सो आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 11 जो कि है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम स्टार्ट करेंगे। कल की वीडियो में हमने अमेंडमेंट के जो चैप्टर उसे अच्छे से कवर किया, उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस वगैरह देखे, तो आज हम न्यूज़ टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे छोटा ही चैप्टर है इस वीडियो में, जल्दी से उसे कंप्लीट कर लें एंड एंड में फिर आपको कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे और मेंस के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आपको प्रैक्टिस सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से जो डॉक्ट्रिन और बेसिक स्ट्रक्चर है कैसे इवॉल्व हुआ। डिफरेंट जजमेंट्स जो आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, उसके थ्रू जो हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर किस किस चीज़ों को बेसिकली डाला गया और जुडिशरी ने कैसे कैसे जो है हर एक जजमेंट में इसको इवॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है, तो सबसे पहला हम जजमेंट देखते हैं, जो केस आया था वो है शंकरी प्रसाद केस 1951 में। तो जो केस आया था बेसिकली क्यों आया, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, पहले वो जानने की हम कोशिश करते हैं। तो हुआ ये था कि उस टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया था 1950 में, तो उसके बाद हमने काफ़ी टाइम से ये चीज़ डिस्कस भी की है कि हमारी जो सोसाइटी थी, हमारी जो गवर्नमेंट थी, वो एक सोशलिस्टिक मॉडल को फॉलो कर रही थी। तो इसके हिसाब से जो हमारा जो लैंड था उसमें रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लैंड जो है ज़्यादातर जो रिच लोग, ज़मींदार लोग जो थे उनके पास में ही था, और जो गरीब लोग थे उनको जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो लैंड का देना ज़रूरी था। बट सरकार भी ये जानती थी राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है, तो इसलिए जो है उसके थ्रू राइट मतलब प्रॉपर्टी छीन पाना लोगों से काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बट क्योंकि हम जानते हैं फिर भी जो है हमारी जो सरकार थी उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जो है फर्स्ट अमेंडमेंट लेके आई थी 1951 में। ठीक है, जिसने बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल किया और उसको चैलेंज किया। कैसे चैलेंज किया, कि उसने जितने भी बड़े बड़े ज़मींदारों की जो एक्सेस में जो ज़मीन है उनसे लेके वो गरीबों को बांटना शुरू कर दिया। और जिस तरीके से किया जा रहा था, तो जो लोग थे, जो ज़मींदार थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि भाई आपने तो हमें राइट टू प्रॉपर्टी, हमारा फंडामेंटल राइट दे रखा है, तो किस तरीके से जो है सरकार जो है फिर इस तरीके से हमारी प्रॉपर्टी को छीन रही है। ठीक है, तो लोगों ने बेसिकली इस तरीके से गए, तो सुप्रीम कोर्ट अब क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि जो पावर है पार्लियामेंट के पास टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, कि हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये जो पावर है पार्लियामेंट को दी गई है आर्टिकल 368 के तहत, कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के उस प्रोविजंस को, कोई प्रोविजंस को अमेंड कर सकती है, और इसके अंदर होने का इस पावर के अंदर ये भी पावर इंक्लूड है कि वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है। यानी जो राइट टू प्रॉपर्टी जो कि फंडामेंटल राइट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो फंडामेंटल राइट जो सरकार के जो रास्ते में एक बहुत बड़ा यू नो बाधा बन रहा था, जो सरकार को जो है लैंड को, जो एक्सेस ऑफ लैंड जो लोगों के पास जमा थे उसको वो उन लैंडलेस वर्कर्स को या फिर लोगों को बांटना चाहती थी, बट वो नहीं कर पा रही थी। इसलिए जब वो फर्स्ट अमेंडमेंट लेके आए, उसके थ्रू जब उस राइट टू प्रॉपर्टी कर्टेल कर रही थी, जब लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया, तो सरकार ने जो बेसिकली जो जुडिशरी है उसने यही कहा कि जो भी अमेंडमेंट लेके आई है हमारी गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं वो उसके पास ये पावर है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड भी कर सकती है और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। तो राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड करने की जो पावर थी वो पार्लियामेंट की जो है उसको सही माना गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 13 है हमारा फंडामेंटल राइट में, तो वो आपने देखा होगा कि इसमें बोला गया अगर कोई भी लॉ अगर इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, अगर वो कोई भी लॉ जो लाया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, अगर वो पर्टिकुलर लॉ किसी की फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रेन कर रहा है, उसको वॉयलेट कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर लॉ को जुडिशियल रिव्यू के तहत जो है बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड जो है बेसिकली जुडिशरी हमारी कर सकती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, तो ये चीज़ हमारी आर्टिकल 13 में लिखी हुई थी। बट आर्टिकल 13 में जिस लॉ की बात की गई है, तो स्टार्टिंग में उस लॉ का मतलब सिर्फ ऑर्डनरी लॉ से था, अगर कि कोई भी ऑर्डनरी लॉ, ठीक है, तो यानी इसके अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किए जाते हैं, यानी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड जब किया जाता है, तो उस अमेंडमेंट को उस लॉ के अंदर शामिल उस समय नहीं किया गया था। तो इसलिए जुडिशरी ने कहा कि जो आर्टिकल 13 में जिस लॉ का नाम लिया गया है वो सिर्फ ऑर्डनरी लॉ है। यानी अगर मान लो पार्लियामेंट कोई ऑर्डनरी लॉ लेके आ रही है और उस लॉ से किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट जो है वॉयलेट हो रहा है, तब हमारी जो जुडिशरी जो है जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज़ करके उस पर्टिकुलर लॉ को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशन कह सकती है। बट अगर कोई पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रही है, कोई इस तरीके से जो किसी की फंडामेंटल राइट को मतलब बेसिकली अमेंड कर रही है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उस लॉ के अंदर नहीं आता, तो जुडिशरी जो है उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकती। तो ये चीज़ हमने शंकरी प्रसाद केस के जजमेंट में देखने को मिला। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट जो थी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि पार्लियामेंट को पावर मिल गई थी कि वो टेक अवे कर सकती है एनी फंडामेंटल राइट बाय इनेक्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कि नॉर्मली अगर मान लो किसी भी फंडामेंटल राइट को अगर उसे चेंज करना हो, रिपील करना हो, तो वो कर सकती है, सिर्फ उसके लिए उसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। एंड उस समय हम जानते हैं कांग्रेस काफ़ी मेजॉरिटी में ही थी, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, यू नो, उसके कम से कम आई थिंक 10-20 साल तक तो कांग्रेस ही जो है मेजॉरिटी में हमेशा देखने को मिली थी। तो हम कह सकते हैं मेजॉरिटी तो उनके पास थी, तो अमेंडमेंट करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया था। तो इसलिए उन्होंने वो अमेंडमेंट किया और उस अमेंडमेंट को, उस पर्टिकुलर लॉ को जो है जो भी किया गया था उसको आर्टिकल 33 के अंदर वॉइड नहीं कह सकते थे। ठीक है, तो ये सुनकर जो पार्लियामेंट काफ़ी खुश हो गई। फिर उस हिसाब से जो है उन्होंने फिर जो उनको काम करना था कि किस तरीके से राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल करना था, लोगों को फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था लैंड को, वो करना उन्होंने शुरू कर दिया।
तो यानी हम कह सकते हैं कि शंकरी प्रसाद केस के जजमेंट ने पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे दी थी, ठीक है। और इस इतनी पावर होने का मतलब ये था कि वो कोई भी अमेंडमेंट करके जो है कोई भी फंडामेंटल राइट को आसानी से जो है चेंज कर सकती है, ठीक है। बट हम देखते हैं ज़्यादा दिन तक ये चला नहीं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने जो है गोलकनाथ केस जो कि 1967 में आया था उसने उस केस में जो है उन्होंने अपना इंस्टांस को चेंज कर दिया, ठीक है, कि जो भी उन्होंने पहले वाले जजमेंट में कहा था उसको उन्होंने रिवर्स कर दिया। क्यों रिवर्स करना पड़ा तो ये जानने की जरूरत है। हुआ ये था कि जो 17th, ठीक है, 7th नहीं है, तो 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 में जो है गवर्नमेंट लेके आई और उन्होंने बेसिकली जो है 9th शेड्यूल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली ऐड कर दिया, किसके थ्रू, 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 के थ्रू, ठीक है। अब इस 9th शेड्यूल को जो भले ही इन्होंने ऐड कर दिया तो इसी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करने के लिए जो है बेसिकली ये केस आया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से इस जजमेंट में कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे वो एक तरह के ट्रांसेंशियल एंड इम्यूटेबल पोजीशन में, यानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे एनी ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि इससे पहले हम देख सकते हैं जो शंकरी प्रसाद केस था वहाँ पे पार्लियामेंट को पावर मिल गई थी आसानी से कि आप भाई फंडामेंटल राइट को चेंज करने को उसकी आपके पास पावर है, ठीक है, और अमेंडमेंट करके आप जो है किसी भी फंडामेंटल राइट में चेंज कर सकते हो, तो वो पावर आपके पास है, ये पहले वाले जजमेंट में बोली गई थी। बट इस गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को छीन सके, उसको ले सके, ठीक है। तो और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे पहले जब हम आर्टिकल 13 की बात कर रहे थे तो हमने इस लॉ के अंदर सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ को ही कंसिडर किया था, बट गोलकनाथ के केस में जो लॉ है उसके अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को भी ऐड कर दिया। तो इससे क्या होगा बेसिकली कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है लॉ की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा, यानी आर्टिकल 13 की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो पावर थी जुडिशरी की कि अगर मान लो कोई भी लॉ अगर मान लो पार्लियामेंट लेके आती है और वो किसी भी फंडामेंटल राइट को वॉलेट करता है तो उसको जो है उस पर्टिकुलर लॉ को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड जो डिक्लेयर कर सकती है अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर रहा है। तो पहले क्या हो रहा था, इससे ऑर्डनरी लॉ को कंसिडर किया जा रहा था, बट इस जजमेंट में बोल दिया गया कि ऑर्डनरी लॉ के अलावा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी हैं यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी हैं वो भी इसके अंदर काउंट किए जाएंगे। तो कल को अगर पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट कर रही है और वो पर्टिकुलर अमेंडमेंट किसी भी पर्सन की फंडामेंटल राइट को नुकसान कर रहा है तो उस अमेंडमेंट को भी हम अनकॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। तो ये दो बड़ी जजमेंट जो है बेसिकली इस केस में जो है जुडिशरी ने दी। तो अब देखा जाए कि जो पार्लियामेंट है उसने रिएक्ट करा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था गोलकनाथ केस 1967 वाले जजमेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट से तो पावर छीनने की बात हो रही थी कि एक तरफ जुडिशरी बोल रही है कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि कोई भी फंडामेंटल राइट को छीन सके, और साथ ही साथ आर्टिकल 13 में जो लॉ की डेफिनेशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को भी डाल दिया, ठीक है। तो ये देख के जो है पार्लियामेंट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया होगा कि भाई एक तरफ आप पहले जजमेंट में हमें इतनी सारी पावर दे और इस जजमेंट में आपने उस पावर को हमसे छीन लिया। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, 24th अमेंडमेंट एक्ट लेके आई 1971 में और इस अमेंडमेंट के लाकर उन्होंने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को अमेंड कर दिया, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं कि 24th अमेंडमेंट एक्ट था इसने जो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 है उसको अमेंड कर दिया। किस तरीके से अमेंड किया, तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 368 में उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को ले सकती है, क्योंकि इस अमेंडमेंट करके यानी आर्टिकल 368 के थ्रू कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके किसी भी फंडामेंटल राइट को वो छीन सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ आर्टिकल 13 की उन्होंने अमेंडमेंट किस तरीके से की कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी फंडामेंटल राइट्स को जो है आर्टिकल 368 के थ्रू ले सकती है, उसे बेसिकली रिपील कर सकती है और उस पर्टिकुलर एक्ट को जो है इस लॉ की डेफिनेशन के अंदर नहीं लाएंगे जो कि आर्टिकल 13 में लिखी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही उन्हीं दोनों जजमेंट को बेसिकली ख़त्म कर दिया है इस 24th अमेंडमेंट एक्ट ने। पहला जजमेंट जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की, तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को जजमेंट को बेसिकली खारिज करने के लिए उन्होंने आर्टिकल 368 के अंदर अपनी पावर को बढ़ा दिया कि नहीं पार्लियामेंट के पास पावर है आर्टिकल 368 के अंदर कि वो फंडामेंटल राइट को छीन सकती है। और दूसरी जजमेंट जो कहा की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ की डेफिनेशन है उस लॉ की डेफिनेशन में जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को भी डाला जाएगा, तो इस चीज़ को भी जो है अमेंड कर दिया उन्होंने आर्टिकल 13 में जो लॉ की डेफिनेशन है उन्होंने कह दिया कि उस लॉ की डेफिनेशन में ऑर्डनरी लॉ को ही सिर्फ कंसिडर किया जाएगा, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो बेसिकली आर्टिकल 13 की जो लॉ की डेफिनेशन है उसमें काउंट नहीं की जानी चाहिए। तो अब देख सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में ये जो गोलकनाथ केस है तो एक तरफ जुडिशरी कुछ और कह रही है और दूसरी तरफ पार्लियामेंट है जो अपनी ही चला रही है जो जुडिशरी की बात नहीं सुन रही, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में एक रस्साकसी जो है देखने को मिलेगी, बिकॉज कोई भी किसी की बात नहीं सुन रहा, जुडिशरी वहाँ कह रही है तुम्हारे पास पावर नहीं है, तो वहीं पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट करके अपनी पावर को बढ़ाना चाहती है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस का बात है केशवानंद भारती केस 1973 में, क्योंकि जुडिशरी जानती थी कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो पार्लियामेंट जो है इस तरीके से अमेंडमेंट लाती जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बट आप देख सकते हैं केशवानंद भारती केस जो था अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट थी जिसने हर चीज़ को जो है हर देखने का नज़रिया ही जो है पार्लियामेंट का बदल देगी।
तो हम बात करते हैं केशवानंद भारती केस, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ओवरूल कर दिया जो भी जजमेंट उन्होंने गोलकनाथ केस में दी थी। यानी इससे पहले जो भी गोलकनाथ केस में जो भी जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, जहाँ पे बोला गया था कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है वो फंडामेंटल राइट को छीनने की, और दूसरा कि आर्टिकल 13 में जो लॉ की जो डेफिनेशन है वहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को भी लाया जाएगा, तो इन जजमेंट को जो है बेसिकली ओवरूल कर दिया और उन्हें चेंज कर दिया। ठीक है, और मेन चीज़ जुडिशरी ने अपना दिमाग क्या लगाया कि उन्होंने कहा कि जो 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 को जो पार्लियामेंट लेके आई है उसकी वैलिडिटी को कर दिया, कह दिया कि जो अमेंडमेंट है ये बेसिकली सही है। यानी कि जुडिशरी ने माना कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को ले सकती है, ठीक है, उसे चेंज कर सकती है, बट एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने डाल दी वो क्या थी, तो केशवानंद भारती केस में एक नई चीज़ जो लेके आई सुप्रीम कोर्ट वो ये था कि उन्होंने एक न्यू डॉक्ट्रिन जो बेसिक स्ट्रक्चर की इंट्रोड्यूस कर दी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को बस हार्म नहीं होना चाहिए, उसके अलावा पार्लियामेंट जो है कुछ भी कर सकती है। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं जुडिशरी इस बात को जानती थी कि पार्लियामेंट के पास एक अमेंडमेंट वाला जो है पावर है, तो अगर हम कुछ भी ऐसा करेंगे तो कल को वो उस चीज़ को अमेंड करती जाएगी, और उसकी इस पावर को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो है बेसिक स्ट्रक्चर। एंड उस समय जब इस तरह के डॉक्ट्रिन आया था बेसिक स्ट्रक्चर की, तो बहुत सारे मिनिस्टर्स ऐसे थे जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि जुडिशरी ये क्या लेके आ गई, इस बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली है क्या, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके बारे में नहीं बता रखा, बट हम देखेंगे आगे वाली भी स्लाइड्स में जहाँ पे हम बताएंगे किस तरीके से जो है बहुत सारे जजमेंट्स के थ्रू में पता चलेगा क्या क्या चीज़ें जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जुडिशरी ने बेसिकली इंक्लूड करी हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर जो है पार्लियामेंट के अंदर आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल इट टू ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि पार्लियामेंट के पास पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखी हो कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, बट आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड नहीं कर सकते। तो ये फिर से कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा था पार्लियामेंट के ऊपर कि पार्लियामेंट समझ ही नहीं पा रही थी कि बेसिकली क्या है एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट फिर कहता है कि दिस मीन्स दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे अ फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी उस फंडामेंटल राइट को बेसिकली नहीं छीन सकती जो खुद एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो। ठीक है, तो हर एक चीज़ जो घूम रही थी वो एक ही चीज़ था, वो है बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, तो ये एक्चुअली में बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, क्योंकि पार्लियामेंट जो है इसी चीज़ पर आकर रुक गई थी कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या बेसिक जुडिशरी, ये तो बताएं। तो हमने जब हम आगे देखेंगे कि इसमें बताया गया था कि जब केशवानंद भारती केस आया था तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं जुडिशरी ने उस समय बताई थी क्या क्या चीज़ें जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, तो जिससे हम आगे अभी देखेंगे, तो बस आपको भी इसमें यही समझना है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दिया और उसमें बेसिक स्ट्रक्चर को क्या क्या चीज़ें बताई। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डाली तो वो हम अभी आगे देखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस में, इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, फिर से जो है डॉक्ट्रिन जो है बेसिक स्ट्रक्चर की उसकी जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसको और ज़्यादा जो है बेसिकली बढ़ाया गया। मतलब कहीं ना कहीं जो डॉक्ट्रिन है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को उसको फिर से रीअफर्म किया गया। एंड सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में बेसिकली कहा कि जो बेसिकली 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975 जो बेसिकली हमारी पार्लियामेंट लेके आई थी, ठीक है, तो हुआ ही था कि जो 39th अमेंडमेंट बेसिकली लिखी आई पार्लियामेंट 1975 में, जहाँ पे बोला गया कि जो भी इलेक्शन डिस्प्यूट होंगे प्राइम मिनिस्टर के एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा के, वो बेसिकली हर एक कोर्ट के जुडिशन से बाहर होंगे। यानी कोई भी जुडिशरी जो है उन पर्टिकुलर डिस्प्यूट्स को बेसिकली सुन नहीं सकती, उसमें कोई अपना जजमेंट नहीं दे सकती। ठीक है, अब कोर्ट ने ये चीज़ कहा कि भाई ये तो चीज़ हो नहीं सकती। ठीक है, तो कोर्ट सेड दैट दिस प्रोविजन वॉज बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। यानी जो पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है इससे काफ़ी ज़्यादा बियॉन्ड है। यानी कि पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट ला के इस तरीके की चीज़ मेंशन नहीं कर सकती कि अगर मान लो कोई भी इलेक्शन में डिस्प्यूट होता है, बिकॉज इलेक्शन डिस्प्यूट इज लाइक करप्ट प्रैक्टिसेस वहाँ पे इन्वॉल्व है, किसी ने बेसिकली कुछ मर्डर वर्डर कर लिया भाई उसको तो सजा होनी चाहिए, तो कैसे वो कह सकती है पार्लियामेंट कि भाई जो भी डिस्प्यूट होगा उसमें जो है जुडिशरी बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी इस बात को जानती थी और जुडिशरी ने यही कहा कि जो भी अमेंडिंग पावर आपके पास है भले ही आप कोई भी अमेंडमेंट लेके आ जाओ, बट वो अमेंडिंग पावर जो आपकी बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन उसको हार्म नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो आप अमेंडमेंट लेके आए थे जहाँ पे बोला गया था कि जो डिस्प्यूट है इलेक्शन डिस्प्यूट है वहाँ पे हर एक कोर्ट का जुरिडिक्शन जो है आप उससे बाहर रखोगे, तो ये अपने आप में ही बेसिक स्ट्रक्चर, आप इसे कैसे वॉयलेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हर वो चीज़ जो पार्लियामेंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करने के लिए कर रही थी वो सारी चीज़ों को जो है जुडिशरी ने कहीं ना कहीं जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, क्या क्या चीज़ उसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी, उसको डिसाइड करने की पावर जो थी सिर्फ हमारी जुडिशरी के पास ही थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब पार्लियामेंट भी चुप नहीं बैठेगी, बिकॉज पार्लियामेंट को लग रहा था कि भाई हम कोई भी अमेंडमेंट करें तो कहीं ना कहीं जुडिशरी जो बार बार बेसिक स्ट्रक्चर को ही लेके आ रही थी, तो क्यों ना ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसी को अमेंड कर दिया जाए। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, उन्होंने जो डॉक्ट्रिन है बेसिक स्ट्रक्चर की उसी को अमेंड करने के लिए एक अमेंडमेंट लेके आई, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एक अमेंडमेंट को लेके आया, जिसके थ्रू जो है पार्लियामेंट जो है इसी बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड करना चाहती थी। ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट आया था 42nd, जो अपने आप में कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था,
ठीक है। तो इस अमेंडमेंट एक्ट ने बेसिकली आर्टिकल 368 को अमेंड कर दिया, ठीक है, क्योंकि कहा गया था कि जो आर्टिकल 368 को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पावर है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि जुडिशरी यही चीज़ बार बार बोल रही थी पार्लियामेंट को कि आप कोई भी चीज़ अमेंड कर लो चलेगा, बट आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अमेंड नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट की जो पावर है, ठीक है, कि जो कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट करने की जो पावर है उस पर लिमिटेशन लगा रहा था ये बेसिक स्ट्रक्चर। तो उसी लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए जो है आर्टिकल 368 को अमेंड कर दिया गया और कहा गया कि डिक्लेयर दैट देर इज़ नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पावर है पार्लियामेंट की उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। कोई भी लिमिटेशन का मतलब क्या है, कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर जैसी चीज़ होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, और जो भी अमेंडमेंट जो है पार्लियामेंट करेगी उसे कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता इस ग्राउंड के ऊपर कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बोली गई पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। अब बेसिकली पार्लियामेंट ने तो अपना बेसिकली काम कर दिया। अब जुडिशरी बेसिकली क्या करती थी, जुडिशरी ने मिनर्वा मिल केस 1980 में जुडिशरी ने क्या किया, उसने कहा कि जो इनवैलिडेट कर दिया द प्रोविजन एट इट एक्सक्लूडेड द बेसिक जुडिशियल रिव्यू, बिकॉज कहीं ना कहीं जो जुडिशियल रिव्यू की जो बात थी जो पार्लियामेंट कह रही थी कि अगर हम कोई भी लॉ लाते हैं तो उस लॉ को इस बात में क्वेश्चन नहीं किया जाना चाहिए कि वो किसी फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचा रहा है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट जो है उस पर्टिकुलर लॉ को चेक नहीं कर सकती। तो वही चीज़ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है जुडिशियल रिव्यू की वो अपने आप में एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो खुद एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो वो पावर जो है जुडिशरी से नहीं छीन सकते। जिस तरह से पार्लियामेंट के पास एक अपना एक अमेंडिंग पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, उस तरह से जुडिशरी के पास अपना जुडिशियल रिव्यू है, तो जुडिशियल रिव्यू भी अपने आप में एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे जो है पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट के थ्रू यानी आर्टिकल 368 के थ्रू उसको चेंज नहीं कर सकती। और जो भी अमेंडमेंट बेसिकली आर्टिकल 368 में की गई थी उस अमेंडमेंट को जो है स्ट्रक डाउन कर दिया हमारी जुडिशरी ने, ये कह के कि वो जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस तरीके के आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर है पार्लियामेंट की उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैड कन्फर्म्ड लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑन द पार्लियामेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को खुद कन्फर्म करता है कि जो पार्लियामेंट के पास जो अमेंडिंग पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पावर है वो एक लिमिटेड है, यानी कि वो जो पावर है इसलिए लिमिटेड दी गई है बिकॉज कहीं ना कहीं अगर वो अनलिमिटेड पावर होती तो आप सोच सकते हो आज की डेट में किसी भी पर्सन का कोई भी फंडामेंटल राइट बचता ही नहीं, ठीक है। अगर पार्लियामेंट के पास अगर वो अनलिमिटेड पावर होती कि मतलब कोई भी जुडिशियस पे क्वेश्चन नहीं कर रही है, कुछ भी अमेंड करते जा रहे हो पार्लियामेंट अपने हिसाब से, क्योंकि अगर वो मेजॉरिटी में है तो अपने हिसाब से चेंज करती जाएगी लोगों के फिर फंडामेंटल राइट का तो नुकसान ही नुकसान होना था। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ पहले ही मेंशन की गई है कि जो भी अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट की वो एक लिमिटेड है, और साथ ही साथ कहा गया कि पार्लियामेंट कैन नॉट अंडर द एक्साइज ऑफ दैट लिमिटेड पावर एंड लार्ज दैट वेरी पावर टू एन एब्सोल्यूट पावर, मतलब कहीं ना कहीं पार्लियामेंट जो है उस लिमिटेड पावर को जो है उसको इतने ज़्यादा एनलार्ज ना कर दे कि वो एक एब्सोल्यूट पावर की तरफ चले जाए, ठीक है। एक क्रॉस पैक चेक करने के लिए, बैलेंस क्रिएट करने के लिए उस चीज़ को लिमिटेड रखा गया है सो दैट वो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट ना करे, लोगों के फंडामेंटल राइट को वॉलेट ना करे, ठीक है। और कहा गया है कि जो लिमिटेड अमेंडिंग पावर है इज़ वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जुडिशरी ने इस लिमिटिंग अमेंडिंग पावर को ही एक तरह का बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कल को इस चीज़ को पावर को बढ़ाया, मतलब कल को हो सकता है ना कि जिस तरीके से अभी जो है पार्लियामेंट ने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कहीं ना कहीं वो इस लिमिटेड अमेंडिंग पावर को इंक्रीज़ कर रही थी, यानी कि वो इस लिमिटेड अमेंडिंग पावर को अनलिमिटेड बनाना चाहती थी, ठीक है, अभी हमने देखा था यहाँ पे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर हमने देखा था कि जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, तो यहाँ पे आर्टिकल 368 में अमेंड करके वो पार्लियामेंट यही तो कर रही थी कि जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पावर है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है तो मतलब क्या कर रही थी वो, इस पावर को वो अनलिमिटेड कर रही थी, और क्योंकि अनलिमिटेड करना अपने आप में क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कि कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को बोलता ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ बोल रखा है कि जो पार्लियामेंट है उसकी पावर लिमिटेड है, और क्योंकि वो लिमिटेड है तो वो अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर है और बेसिक फीचर है, तो कहीं ना कहीं आप इसको जो है अमेंड नहीं कर सकते, यानी आज के डेट में भी अगर पार्लियामेंट चाहे तो अपनी इस लिमिटेड अमेंडिंग पावर को इंक्रीज़ नहीं कर सकती, ठीक है। तो जो भी लिमिटेशंस लगाई हुई हैं दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसको आप डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे भी बेसिकली यही बताया गया है कि किस तरह से पार्लियामेंट कैन नॉट अंडर आर्टिकल 368 एक्सपेंड इस अमेंडिंग पावर सो एज टू एक्वायर फॉर इटसेल्फ द राइट टू अपील रिपील एब्रोगेट और कॉन्स्टिट्यूशन और टू डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर, तो मतलब ये सारी चीज़ें जहाँ पे कहीं ना कहीं पार्लियामेंट यही सब तो चाहती है कि उसका कि बेसिक स्ट्रक्चर जैसे खत्म करना चाहती है और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फंडामेंटल राइट है उसे अपने हिसाब से यू नो रिपील करना चाहती है, तो ये सारी पावर जो वो चाहती हैं उसको वो खत्म नहीं कर सकते बिकॉज ये सारी चीज़ें जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं, और पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 368 को अमेंड करके इस तरह से अपनी अमेंडिंग पावर को जो है इंक्रीज़ नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है मिनर्वा मिल केस 1980 में जुडिशरी ने बेसिकली कही। अब हम देखते हैं कि ये चीज़ तो थी जुडिशरी ने फिक्स कर दी कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी बदल नहीं सकता, ठीक है, अब ये इसे अप्लाई कब से किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो वुमन राव केस 1981 में आया जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अडहर किया कि जो डॉक्ट्राइन है बेसिक स्ट्रक्चर की वो इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, और साथ ही साथ बोल दिया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स इनेक्ट हुई हैं आफ्टर 24 अप्रैल 1973, बिकॉज कहीं ना कहीं से जुडिशरी को शुरुआत तो करनी थी, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर डेट जो है डिसाइड कर ली, अप्रैल 24, 1973, कि इस पर्टिकुलर डेट के बाद जो भी अमेंडमेंट्स की जाएंगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो इस बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करनी चाहिए। यानी वो अमेंडमेंट अगर मान लो किसी भी फंडामेंटल राइट को नुकसान कर रही होगी तो उस अमेंडमेंट को जो है जुडिशरी जो है बेसिकली चेक कर सकती है, वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू के तहत उसे अनकॉन्स्टिट्यूशन कह सकती है। ठीक है, अब मेन चीज़ डाउट ये आएगा कि इसी पर्टिकुलर डेट को क्यों चुना गया, तो बिकॉज 1973 कैसा ईयर था जहाँ पे केशवानंद भारती जजमेंट आया था, केशवानंद भारती जजमेंट में ही जो है पहली बार जो है डॉक्ट्रिन और बेसिक स्ट्रक्चर को लाया गया था, इसलिए जुडिशरी ने इस पर्टिकुलर डेट को चुना। और इससे पहले जितनी भी अमेंडमेंट हो गई, चलो वहाँ पे तो हम बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर वो किसी फंडामेंटल राइट को नुकसान भी पहुँचा रहा होगा तो जुडिशरी उसको चेक नहीं करेगी। बट 24 अप्रैल 1973 के बाद से कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में होगी तो उसको जो है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर देखा जाएगा कि अगर वो अमेंडमेंट किसी बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा रही है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन या जुडिशरी हमारी कह सकती है। तो इस तरीके से हमने जो है हर एक जजमेंट को कवर कर लिया कि किस तरीके से जो है हमारा डॉक्ट्राइन और बेसिक स्ट्रक्चर जो इवॉल्व हुआ, इमर्ज हुआ, एंड फाइनली आज की डेट में जो है जुडिशरी ने काफ़ी सारे जजमेंट्स के थ्रू इसी चीज़ को एक्सपेंड करने की कोशिश की है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं। ठीक है, तो उसको अभी हम एक करके अब समझेंगे कि केशवानंद भारती केस में जब डॉक्ट्राइन और बेसिक स्ट्रक्चर आया तब कौन कौन सी चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड किया गया, एंड उसके बाद जितनी भी जजमेंट्स आई हैं तो कौन कौन सी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जुडिशरी ने इंक्लूड की हैं, क्योंकि ये जो पावर है जुडिशरी के पास ही पावर है कि किन किन चीज़ों को वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर रख सकती है। ठीक है, तो अब हम बेसिक लेके करके देखेंगे कि जो भी केशवानंद भारती केस के टाइम से जब हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को ला दिया गया था उसके टाइम से लेके अटिल डेट आज तक किन किन चीज़ों को हर एक जजमेंट के थ्रू जो है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में आया था, जो कि फंडामेंटल राइट्स केस भी इसको बोला जाता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं इसने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी बड़ा योगदान दिया, बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर लाके उन्होंने कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन लाकर उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को जो है छीनने से बचाया, बिकॉज फंडामेंटल राइट को ही बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया गया है और इसलिए पार्लियामेंट जो है कहीं ना कहीं उस फंडामेंटल राइट को जो है वॉलेट नहीं कर सकती जो अपने आप में एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अब हम देखते हैं एक करके, तो सबसे पहला है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस जजमेंट में जो सबसे पहली चीज़ जो इंक्लूड की हमारी जुडिशरी ने बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर वो था सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हर एक चीज़ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के आई है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बेसिकली जो है हर एक चीज़ हर एक और मतलब ऑर्गन्स जो है गवर्नमेंट का वो बनाया है, उनकी पावर वहाँ से दी है। जो भी हम देखते हैं जितने भी पावर्स हमारे पार्लियामेंट को मिले सब के सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के आए, तो भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं आती, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, यही पहला सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने कह दिया। दूसरा कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, कि जो भी लेजिस्लेचर हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव है, जो भी जुडिशरी है, उनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। यानी एक लेजिस्लेचर का काम सिर्फ लॉ बनाना है तो लॉ ही बनाएं, ये नहीं कि एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर करें, एक एग्जीक्यूटिव का काम इंप्लीमेंटेशन का है तो लॉ बनाने में इंटरफेयर ना करें, वहीं जुडिशरी के काम पर कोई इंटरफेयर ना करें, ना ही लॉ, ना ही लेजिस्लेचर, ना ही एग्जीक्यूटिव। तो सभी को भाई अपने अपने काम जो है दे दिए गए हैं, तो कोई किसी के काम पर इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डाल दिया। ठीक है, कि कहीं कल को मतलब इस तरीके से ना हो कि मैं कल को जो है पार्लियामेंट के अंदर जो जितने भी लेजिस्लेचर है वहाँ पे जो है जुडिशरी के कोई भी जजमेंट क्रिटिसाइज़ किए जा रहे हैं, वहाँ पे जो है उस पर बातचीत चल रही है भाई जुडिशरी ने इसके ऊपर फैसला कैसे लिया, नो ये नहीं हो सकता, बिकॉज जुडिशरी ने जो भी काम किया है वो अपने स्फेयर के अंदर काम किया, बिकॉज यहाँ पे सबकी पावर अलग है। तो आप किसी भी इस तरीके से जुडिशरी का कोई भी जजमेंट को आप जो है पार्लियामेंट में बैठ के उसमें चर्चा नहीं कर सकते, बिकॉज सबका यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर किया, अगर कल को इस तरह से कोई चीज़ होता है तो उसको बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेशन माना जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड चीज़ यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई है। थर्ड चीज़ जो इसमें रखी है वो है रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक रिपब्लिक है, ठीक है, और एक डेमोक्रेटिक है, यानी लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, यानी मेन अथॉरिटी कौन है यहाँ पे, जनता है। ठीक है, तो यानी जनता को किसी तरीके का हार्म नहीं होना चाहिए, हमारे जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको हार्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो कंट्री है वो एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पे हर एक धर्म के लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट की जाती है, उनके लिए इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया गया, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो वो चीज़ें उनसे छीन नहीं सकता। अगर कोई भी पर्टिकुलर लॉ अगर ऐसा आता है तो उस पर्टिकुलर लॉ को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकती है हमारी जुडिशरी इस बेसिस पे, क्योंकि हमारे सेकुलर करेक्टर को ही जो एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मान लिया गया है। नेक्स्ट है फेडरल करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो फेडरल है इट मीन स्टेट भी काम करेगा अपने हिसाब से, सेंटर भी अपने हिसाब से काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे यूनिटी नहीं होगा कि सेंटर अपनी पावर चलाए तो सेंट्रल टेंडेंसी देखने को नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ को यानी जो फेडरल करेक्टर है उसको आगे जाके नुकसान ना हो, ऐसा ना हो कि मतलब सेंटर जो अपना ही मतलब चला रहा है, स्टेट ही को सुन नहीं रहा है, स्टेट को अच्छे से फंक्शन करने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें ना हो इसलिए फेडरल करेक्टर को भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया गया है। नेक्स्ट जो ऐड किया है सोवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, कि इंडिया की जो इंटीग्रिटी है सोवरेनिटी है उस पर कल को कोई क्वेश्चन मार्क ना आए, इस तरह का कोई लॉ ना लाया जाए जिससे इंडिया की इंटीग्रिटी सोवरेनिटी को खतरा हो, अगर कल को इस तरह का लॉ आता है तो
जुडिशरी के पास एक कहने को होगा कि भाई ये चीज़ तो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो आप इसको अमेंड नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते कोई पर्टिकुलर लॉ ला के। नेक्स्ट है फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये सबसे बड़ा चीज़ था बिकॉज इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर तो आई एम श्योर जो है पार्लियामेंट कुछ ना कुछ लॉ लेके आती है, बिकॉज कोई भी पार्लियामेंट हो या कोई मतलब कोई भी सरकार हो वो सबसे पहले किस चीज़ के ऊपर स्ट्राइक करती है, वो है जनता। कि अगर जनता उनके हिसाब से अगर काम नहीं कर रही है, उनको अच्छे से काम करने नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो लिबर्टी है, उनकी जो फ्रीडम है, उनको छीनने की कोशिश करती है। तो सबसे पहली चीज़ जो जुडिशरी ने करी वो यही कर दी कि उनकी जो लिबर्टी है तो उनकी फ्रीडम और उनकी लिबर्टी कोई जो है डिग्निटी कोई जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मान लिया कि कल को कोई भी एक ऐसा लॉ ला के जो है कोई भी आर्बिट्री पावर को यूज़ करके हमारी पार्लियामेंट इस चीज़ को जो है छीन नहीं सकती। नेक्स्ट है मैंडेट टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट, कि एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। और एक वेलफेयर स्टेट कब बन सकता है, जो कि हमने देखा भी था कि DPSP में जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं तो हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मोरल ऑब्लिगेशन है कि उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो करें, उनके रिलेटेड लॉ लेके आएँ, क्योंकि वो पर्टिकुलर लॉज जब आएंगे तो ही हमारा वेलफेयर स्टेट को क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो कि DPSP को एक तरह से एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मानने की कोशिश की गई है, कि कल को अगर मान लो DPSP कोई मान लो एक ऐसा अमेंडमेंट करके DPSP कोई अगर हटाना चाहती है सरकार की, भाई हम तो भी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे जो जो उसमें बोला गया, बिकॉज उसमें तो बोला गया कि राइट टू वर्क देना, राइट टू एम्प्लॉयमेंट देना, हम कैसे बेसिकली दें, चलो इसको अमेंड करके हटाई देते हैं, तो वो आप अमेंड करके उसे हटा भी नहीं सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं वेलफेयर स्टेट जो हमारे DPSP से निकल के आ रहे हैं उसी चीज़ों को आप बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया गया है जुडिशरी के द्वारा। एंड लास्ट जो है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो एक हमारा खुद में एक चैप्टर है, जिसे अभी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इस चैप्टर को। तो यहाँ पे बेसिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम बेसिकली है क्या, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में बेसिकली कहा जाता है कि आपकी जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टू द लेजिस्लेचर, जो भी पॉलिसीज या फिर एक्ट बनाया जाता है। तो कल को अगर मान लो कोई भी कैबिनेट में बैठा हुआ मंत्री, ठीक है, अगर मान लो कल को कोई भी लॉ लेके आ रहा है तो उस मंत्री ने कौन कौन से लॉज लेके आ रही हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जा रहा है, उस पर सवाल करने का, उसे जवाब मांगने का हक जो है उन लेजिस्लेचर के पास है, यानी वो लोग लोकसभा में जो बैठे हुए MPs हैं, ठीक है, मेंबर्स हैं लोकसभा के, वो जो है उन एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ये मिनिस्टर आपने इस चीज़ के लिए आप ये लॉ लेके आए तो बताइए आप ये लॉ क्यों लेके आए हैं। तो कहीं ना कहीं उस रिस्पॉन्सिबल चीज़ को क्रिएट किया गया, ठीक है। तो हमने जो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है, और ये अडॉप्शन हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया, क्योंकि ब्रिटेन में भी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसके अपोजिट होते हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे हम देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव जो है नॉन रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के, यानी वहाँ पे कोई भी लेजिस्लेचर कोई भी लॉ लेके आ रहा है और एग्जीक्यूटिव कोई भी इंप्लीमेंट कर रहा है, तो कोई आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब नहीं पूछ सकता, दोनों को अपने ही स्फीयर में जो है काम करने की आज़ादी दी गई है। बट हमारे इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा नहीं माना गया, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो एग्जीक्यूटिव है अपनी मनमानी ना क्रिएट करने लगे, कुछ भी ऐसे आर्बिट्री पावर ना यूज़ करने लगे, तो उनमें एक तरह से बैलेंस बिठाने के लिए हमने इस चीज़ को मॉडल को यूज़ किया है, ठीक है। बाकी क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, क्यों हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फादर्स थे उनको ये लगा कि हमारे देश में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ही होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें हम उस चैप्टर में डिटेल में कवर करेंगे। बस आपको भी के लिए यही समझना है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारी कंट्री का जो गवर्नेंस है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उस चीज़ को जो है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड किया हमारी जुडिशरी ने। तो हम कह सकते हैं ये जो नाइन पॉइंट्स बताए गए थे जो एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड किए गए थे, ये केशवानंद भारती केस के जजमेंट में सिर्फ इन 9 पॉइंट्स को जो है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर पहली बार इंक्लूड किया गया, ठीक है। अब हम देखेंगे जब नेक्स्ट हमारा जजमेंट आया था, दैट इज़ इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975 में, जिसे बेसिकली पॉपुलरली नोन एज द इलेक्शन केस भी जो है बोला जाता है, ठीक है। अब इस केस में भी जो है जुडिशरी ने कुछ और चीज़ें जो है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो है डॉक्ट्रिन और बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ऐड करी। सबसे पहले जो उन्होंने ऐड करी वो थी इंडिया एज अ सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कि ये हमारे प्रैम्बल में भी ये चीज़ हम मेंशन की गई है कि इंडिया जो है सोवरन है, यानी कोई भी आउटसाइड पावर जो है इंडिया पे इन्फ्लुएंस नहीं क्रिएट कर सकती, इंडिया अपने आप में इंडिपेंडेंट है, डेमोक्रेटिक है, ठीक है, और रिपब्लिक है। रिपब्लिक इन द सेंस हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, मोनार्की की तरह नहीं है कि वहाँ पे बेसिकली हायरार्की चलती हो, बट हमारे देश में जो भी हमारा इलेक्टेड हेड ऑफ़ द स्टेट है वो इलेक्शन के थ्रू आएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ बताई गई कि इंडिया एक सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, तो इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मान लिया गया, बिकॉज कल को ऐसा ना हो कि मतलब गवर्नमेंट हम ऐसा कोई पर्टिकुलर लॉ ला के बेसिकली आउटसाइड इन्फ्लुएंस बढ़ा रही हो किसी भी कंट्री का, कि कोई भी कंट्री आके हमें बेसिकली हेल्प करे कि हमें अपने देश कैसे चलाना, तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकता, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी जो पार्टी है, हमारी जो रूलिंग पार्टी है, वो जब एक लोगों के द्वारा चुनकर आती है तो उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों के हित के लिए काम करें। बट कई बार ऐसा होता है कि अगर वो पार्टी मेजॉरिटी में जीत के आई है तो हो सकता है कि वो अपनी उस आर्बिट्री पावर का यूज़ करें और कुछ ऐसी चीज़ें चेंज कर दें, तो पहले ही वो उन्हें बेसिकली वो सारी चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं जो इंडिया की इंटीग्रिटी को बनाए रखता है, तो वो सारी चीज़ों को ही बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डालना जो जुडिशरी ने सही समझा। तो इसलिए इंडिया को, क्योंकि इंडिया एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, तो इस चीज़ को जो उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया।
नेक्स्ट चीज़ जो इंक्लूड की गई वो है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कोई भी अपॉर्चुनिटी होगी उसमें लोगों को जो है इक्वालिटी मिलनी चाहिए, जो कि हमारी फंडामेंटल राइट भी है। नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड रिलीजन, तो ये भी हम देख सकते हैं हमारा फंडामेंटल राइट है, तो इसको बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये सारी चीज़ें देखो क्यों ऐड की गई हैं, तो आप खुद सोचो, क्योंकि जब जुडिशरी ये बोल रही थी कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट, ठीक है, जब ये बोला जा रहा था कि यस पार्लियामेंट के पास पावर है कि अंडर आर्टिकल 368 वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है, बट उन फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपको बेसिकली जो है ध्यान देना पड़ेगा कि वो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है उनको अमेंड नहीं कर सकती, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, यानी जो भी हमने देखी सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, ये हमारी फंडामेंटल राइट है, इन्हीं फंडामेंटल राइट को हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में भी जोड़ दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इन पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट को जो है अब इन फ्यूचर में कभी भी जो है पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो क्योंकि इसको एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मान लिया, यानी कल को अगर मान लो कोई भी इंडिविजुअल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही कि इसको मतलब कि वो इक्वल स्टेटस नहीं दिया जा रहा, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर अगर पार्लियामेंट लॉ बना के इस पावर को इसको छीनने की कोशिश करती है तो इस फंडामेंटल राइट को बिल्कुल भी अमेंड नहीं कर पाएगी, बिकॉज इसको अब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना लिया गया है, ठीक है। और सिमिलरली जो फ्रीडम मिली हुई है रिलीजन की, तो वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का जो है पार्ट बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मेन, दैट इज़ रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो हमारी जब सरकार चलेगी जो भी लॉज फॉलो होंगे तो वहाँ पे जो है किसी एक पर्टिकुलर मैन की लॉज फॉलो नहीं होना चाहिए कि एक इंसान जो है पावर में आया और उसने अपने हिसाब से अपनी आर्बिट्री पावर को यूज़ करके पर्टिकुलर लॉ बना दिया, लोगों पे इंपोज कर दिया, नो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो है गवर्नमेंट ऑफ लॉज होगा, जो भी लॉज जो है सरकार बना रही, जो अथॉरिटी बना रही है, उन्हीं लॉज को जो है बेसिकली फॉलो किया जाएगा, यानी जिससे हम जो है रूल ऑफ लॉ कहते हैं, ठीक है। यानी अगर इसमें हमने देखा भी था जब हमने रूल ऑफ लॉ की बात की थी फंडामेंटल राइट में, कि कोई भी पर्सन को आर्बिट्रली कोई भी सजा नहीं दी जा सकती, अगर उसे सजा देनी है तो जो भी पर्टिकुलर लॉ में जो चीज़ लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग उसको सजा मिलनी चाहिए, जो क्राइम जो है लॉ में बेसिकली लिख दिया गया कि बेसिकली इस चीज़ को हम क्राइम मानते हैं, बिकॉज लॉ के अंदर ये चीज़ क्राइम है, तभी आप उस पर्सन को सजा दे सकते हो, ठीक है। और इसमें ये भी कहा था कि जो भी लॉ होगा वो इक्वली जो है सब में सबको लगेगा, यानी वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि ये भाई हाई क्लास का, ये लो क्लास का, ये अमीर है, ये गरीब है, तो इस तरह का डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, इसलिए रूल ऑफ लॉ को भी एक तरह का बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया गया है। नेक्स्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन विच इज़ इम्प्लाइड इन द डेमोक्रेसी, ऑब्वियसली डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं ना एक स्तंभ है वो यही है कि डेमोक्रेसी को अगर बचाए रखना है तो वहाँ पे जो इलेक्शन सिस्टम है वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, ठीक है। भले डेमोक्रेसी में हर एक इंडिविजुअल को इक्वालिटी दे दी गई हो, हर एक इंडिविजुअल को पावर दे दी गई हो कि भाई आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है, वो रिप्रेजेंटेटिव आगे जाकर जो आपकी गवर्नमेंट जो है फॉर्म करेंगे, ठीक है, बट वो भले चुन तो रहे हैं, बट चुनने का जो प्रोसेस है, जो इलेक्शन है, वो अगर फेयर नहीं हुआ तो क्या मतलब रह जाएगा डेमोक्रेसी का, ठीक है। तो वो एक तरह से फ्री एंड फेयर होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए जो है इस चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया, यानी कल को अगर सरकार जाके भी अगर कुछ घपलेबाजी करना चाह रही है या फिर कोई भी करप्शन करना चाह रही है सिलेक्शन के प्रोसेस में, तो अगर कुछ भी ऐसा करती है तो उसको बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, उसे करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर जो है रखा जाएगा, और जो भी पर्सन या फिर जो भी मेंबर पार्लियामेंट का या फिर कोई भी मिनिस्टर कल को इस तरह से पकड़ा जाता है कि करप्ट प्रैक्टिसेस उसने की इलेक्शन के दौरान, तो उसको पनिशमेंट जो है मिल सकती है जुडिशरी के द्वारा, ठीक है। तो ये हमने देखी द नेहरू गांधी केस में कौन कौन सी चीज़ें जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड की गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस, मिनर्वा मिल केस 1980 में आया था, इसमें कौन कौन सी चीज़ों को रखा गया है। तो सबसे पहले जो है लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑलरेडी जब हमने मिनर्वा मिल केस देखा था जहाँ पे बेसिकली जुडिशरी ने पहली बार कहा कि भले आपके पास पावर है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, बट ये पावर जो आपकी लिमिटेड है, यानी आप कुछ भी करके कोई भी अमेंडमेंट करके आप इस लिमिटेड पावर को अनलिमिटेड में जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज लिमिटेड पावर अपने आप में ही बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने जो है इंक्लूड किया वो है जुडिशियल रिव्यू, बिकॉज कहीं ना कहीं सरकार जो है जुडिशियल रिव्यू की पावर छीन रही थी, जैसे कि हमने देखा था 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, बट हमने मतलब जो हमारी जुडिशरी है उसने जो है जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया, यानी आज की डेट में अगर मान लो कोई भी लॉ लाते हैं तो उस लॉ में ये कहना पार्लियामेंट का कि अब इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, तो ये कहीं ना कहीं उस बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलिड करने की बात की होगी, ठीक है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है बेसिकली जुडिशरी के पास पावर है, आप उसको छीन नहीं सकते, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट चीज़ में इंक्लूड की गई कि हार्मनी एंड बैलेंस होना चाहिए बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। अब ये चीज़ आपको याद होगी तो इससे जोड़ी गई है, बिकॉज जब मिनर्वा मिल केस हमने उस टाइम देखा था डीपीएसपी के टाइम पे, कि जब डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट चाहती थी कि जो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी फंडामेंटल राइट्स अगर वॉलेट होते हों, ठीक है, उसमें उसका स्कोप बढ़ाना चाहती थी, बेसिकली जो आर्टिकल 31C है जो हमने देखा था, तो आर्टिकल 31C क्या कहता है कि जो अगर डीपीएसपी आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड क्लॉज सी की जो डीपीएसपी है, अगर मान लो उसको इम्प्लीमेंट करना है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी लॉ लेके आना है, अगर उसको लाने से अगर आर्टिकल 40, 19 और 31 को अगर वॉलेशन होता है तो उसको जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, तो ये चीज़ जुडिशियल ने मान ली थी। बट
बाद में हम देखते हैं कमिटमेंट करके जो है इस आर्टिकल के स्कोप को बढ़ाया जा रहा था, बोला जा रहा था कि जो जितने भी DPSP है, सिर्फ इन दोनों DPSP को नहीं, जितने भी DPSP जो है मेंशन किए गए, चाहे वो गांधीन प्रिंसिपल में लिखे हों, चाहे वो हमारे सेकुलर प्रिंसिपल के हों, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को, या फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के जितने भी DPSP हैं, उन सभी DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर जितने भी यानी कोई से भी फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट होते हों, तो उस केस में उस पर्टिकुलर DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी लॉ आएगा उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकती। तो हम कह सकते हैं इस केस में जुडिशरी ने, जो मिनर्वा मिल केस में जुडिशरी ने इस चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशन कह दिया था कि आप जो है आर्टिकल 31C का स्कोप नहीं बढ़ा सकते और इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। और उस समय जो है जो चीज़ हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड की गई थी वो यही की गई थी कि आपको यानी गवर्नमेंट को जो है कोशिश करनी है कि हमेशा फंडामेंटल राइट और DPSP के बीच में एक हार्मनी बना के रखे, यानी किसी को भी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे। मतलब अगर आपको लगता है कि फंडामेंटल राइट देखो ऑब्वियसली वो सुप्रीम रहेंगे, बट इसका मतलब कभी नहीं होगा कि DPSP कोई वैल्यू नहीं है, फिर DPSP जो सबॉर्डिनेट है, नहीं। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर DPSP को वैल्यू मिलेगी, ठीक है, और कुछ केसेस और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में फंडामेंटल राइट हमारे सुप्रीम रहेंगे। बट कोशिश हमेशा ये करनी है कि दोनों में बैलेंस बनाए रखना चाहिए, बिकॉज फंडामेंटल राइट एक तरह से अगर मान लो पॉलिटिकल राइट्स लोगों को दे रहे हैं, तो DPSP दूसरी तरफ आपकी सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये तीनों चीज़ें जो है साथ में चीज़ें होनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ किसी से कम नहीं है, बस उनके बीच में हार्मनी बनाने की जो ज़रूरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिर केस आया था सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड केस 1980 में। इस केस में बेसिकली इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस कि सबको जो है अच्छे से जस्टिस मिलना चाहिए, इसको भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया गया। अगर मान लो कहीं कल को किसी को भी जस्टिस नहीं मिल रहा, ठीक है, तो वो अपने उस राइट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर चीज़ को सुनेगी भी, बिकॉज वो चीज़ एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी वो चीज़ वॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर उसका जस्टिस वॉयलेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेशन माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस आया था भीम सिंह जी केस 1981 में, जहाँ पे बोला गया वेलफेयर स्टेट यानी सोशो इकोनॉमिक जस्टिस को बेसिकली क्या बना दिया गया, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। यानी आज की डेट में भले सोशो इकोनॉमिक जस्टिस जो है लोगों को उतनी नहीं मिल पा रहे, बट हमेशा कोशिश करनी है सरकार को कि सोशली उनके साथ किसी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और इकोनॉमिक जस्टिस यानी ठीक है इकोनॉमिक जस्टिस जहाँ पे जो है बात की जाती है कि वेल्थ किसी एक के पास कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए, उसमें लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए। तो आज के डेट में हम कह सकते हैं इसको अच्छे से इंप्लीमेंट अभी तक नहीं कर पाए, बिकॉज काफ़ी यू नो डिफिकल्ट है इकोनॉमिक जस्टिस लेके आना, ठीक है। सोशल जस्टिस तो फिर भी आप ला सकते हो कि पर्टिकुलर लॉ ला के आपने बोल दिया कि लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो इसलिए आप उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर सकते हो, जो बेसिकली जितनी भी डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ साथ जो जो बेसिकली उन पर अत्याचार होते थे उनको हम रोक सकते हैं। बट इकोनॉमिक जस्टिस को इतनी जल्दी और यू नो इतनी जल्दी इफेक्ट में ला पाना मुश्किल है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोशिश नहीं करनी है, सरकार को हमेशा ये इस बात की कोशिश करनी है कि इकोनॉमिक जस्टिस हमेशा जो है क्रिएट करे, ठीक है। और इकोनॉमिक जस्टिस का ये भी मतलब नहीं है कि आप अमीरों का पैसा लेके गरीबों में बांट दो, नहीं। इकोनॉमिक जस्टिस का ये मतलब है सबसे ज़्यादा कि गरीब जो है इस चीज़ के ऊपर जो है मतलब बेसिकली दुख ना होने कि उसके पास पैसों की कमी है, ठीक है, यानी पैसे कम होने की वजह से उसे कोई भी बेसिक चीज़ जो है उसको नहीं मिल पा रही, इस चीज़ को हमें बेसिकली रोकना है। मतलब सरकार को कोशिश करनी है कि वो गरीब इंसान के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपना जो है रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, ये सब उठा सके, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में कब जोड़ा गया, 1981 भीम सिंह जी केस के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट केस आया था SP समपत कुमार केस 1987 में, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ को फिर से हम देख सकते हैं और जुडिशियल रिव्यू को फिर से जो है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंस दी गई। इसके अलावा है P संपमूर्ति केस, उसमें फिर से हमारे जुडिशियल रिव्यू और रूल ऑफ लॉ को जो है डाला गया। बेसिकली एक ही साल में देखो हुआ है, 1987 में SP संपत कुमार केस आया था, वहाँ पे भी ये चीज़ बोली गई, एंड 1987 में P संपमूर्ति केस आया था। तो उन दोनों केसेस में जो है रूल ऑफ लॉ जुडिशियल रिव्यू को हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना हमारे जुडिशरी ने, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन केस 1991। इसमें बेसिकली बोला गया कि पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंडर आर्टिकल 32, 31, 36, 144, 142, ये सारी जो पावर सुप्रीम कोर्ट को दी है वो अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर है। तो हम एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बात की गई आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 हमने देखा है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, ठीक है, और कि वो रिट इशू कर सकती है, ठीक है। यानी आर्टिकल 32 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करता है कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को जो हमारे जो लोग हैं सिटीजन जो यूज़ कर सकते हैं अगर उनका उन्हें लगता है कि उनका जो फंडामेंटल राइट अगर वॉल्यूशन हुआ है, तो आर्टिकल 32 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ले सकते हैं, और इस आर्टिकल 32 के तहत वो डायरेक्टली जो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है उनके जो राइट्स हैं उनको बेसिकली इन्फोर्स कर सकती है, और उसके लिए अगर वो चाहे तो रिट्स भी इशू कर सकती है पर्टिकुलर अथॉरिटी को, ठीक है। तो रिट्स क्या होती हैं, कैसे काम करती है, तो आप वो अगर आपको डाउट है तो फंडामेंटल राइट के टॉपिक्स में अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ये जो पावर है आर्टिकल 32 की, इसको हमारी पार्लियामेंट नहीं छीन सकती, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है इसको बेसिकली जो बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं 136 की। 136 जो है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि स्पेशल लीव टू अप्लाई बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर मान लो बहुत से लोग होते हैं जो स्पेशल लीव पिटीशन जो है उसके थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करते हैं, तो ये जो पिटीशन होती है, ये जो लीव होती है स्पेशल लीव, तो ये चीज़ अगर मतलब सरकार चाहे तो कल को डेट में छीन नहीं सकती, ठीक है।
अब हम बात करते हैं 141 की. 141 कहता है कि लॉज डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स, यानी जो भी लॉज सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये चीज़ होगा, इसको ऐसे फॉलो करना है, तो वो हर एक कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, वो हर एक कोर्ट में जो है इसको इक्वली अप्लाई किया जाएगा. बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी है हमारी, मतलब हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है हमारी कंट्री की, तो उसने जो चीज़ डिक्लेयर कर दिया, उसने जो लॉ बना दिया, वो हर एक कोर्ट को फॉलो करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो ये चीज़ हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया. अब हम बात करते हैं 142 के, जहाँ पे बोला गया है एनफोर्समेंट ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर एज टू बी डिस्कवरी, यानी कल की डेट में अगर मान लो कोई भी जजमेंट आता है, कोई भी ऑर्डर, कोई भी डिग्री जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उसको जो है एनफोर्समेंट किया जाएगा. ठीक है, यानी उसको फॉलो किया जाएगा, उसकी वैल्यू रखी जाएगी. यानी अगर मान लो कल की डेट में मतलब जैसे मान लो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन जो है बेसिक स्ट्रक्चर की लेके आई, तो कल को डेट में जो है कोई भी पार्लियामेंट के एमपी या फिर कोई भी मेंबर जो है इस तरह से नहीं बोल सकता कि भाई हम तो नहीं मान सकते, ये हम तो नहीं मानेंगे जो भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हम क्यों माने ये सब. तो आपको ये मानना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर देगी, कोई भी डिग्री देगी, तो उसकी वैल्यू करना सभी के लिए ज़रूरी है. अगर आप उसको नहीं मान रहे हो तो कल आप किस पे पनिशमेंट दे सकते हैं. तो इसके थ्रू जो है जुडिशरी ने अपनी जो भी पावर थी जो है उसको बेसिक स्ट्रक्चर बना के उसकी वैल्यू को जो और ज़्यादा इन्हेंस कर दिया, एंड कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट जो है उसकी जो अमेंडेबिलिटी जो थी उसको कम कर दिया. बिकॉज कहीं ना कहीं अगर पार्लियामेंट चाहे तो इस चीज़ को बेसिकली अमेंड कर सकती थी, बट अब क्योंकि ये पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, तो अब पार्लियामेंट इसको अमेंड नहीं कर पाएगी. नेक्स्ट हम देखते हैं 9th केस, इंदर स्वानी केस, जो कि 1992 में आया था, जिसको मंडल केस भी बोला जाता है. तो यहाँ पे जो है फिर से जो रूल ऑफ लॉ को हम देख सकते हैं, हम हर बार रूल ऑफ लॉ, क्योंकि रूल ऑफ लॉ इज लाइक हमेशा ये कॉन्ट्रोवर्सीज में रहता है कि हम किस तरीके से काम करें कि हमारा जो लॉ सबके लिए इक्वल, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो अंबानी है वो अलग से लॉ को फॉलो कर रहा है, जो गरीब इंसान है उस पर अलग से लॉ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, नहीं. तो हर बार जो है रूल ऑफ लॉ कह सकते हो कॉन्ट्रोवर्सी में रहता है, इसलिए हमेशा जो जुडिशरी जो हर एक जजमेंट में कहीं ना कहीं इसी चीज़ के ऊपर कोशिश रहती है कि वो हर बार लोगों को बताए कि रूल ऑफ लॉ इज़ अ पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो हर किसी पे लॉ जो इक्वली इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसमें कोई भी इनजस्टिस किसी को मिल नहीं सकती. ठीक है, नेक्स्ट है कुमार पद्मा प्रसाद केस 1992, जहाँ पे बोला गया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी सबसे पहले इंडिपेंडेंट है, यानी कोई भी जो है जुडिशरी को बेसिकली यू नो अपने हिसाब से काम नहीं करवा सकता. मतलब कल कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में जीत के आती है, वो कोशिश करती है कि जुडिशरी उनके हिसाब से काम करें, तो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज जुडिशरी इंडिपेंडेंट है. ठीक है, इंडिपेंडेंस से कैसे पता चलता है जुडिशरी की इंडिपेंडेंट है, बिकॉज आप उनका टेन्योर देखोगे तो वो सिक्योर है, उनकी जो सैलरी आती है, उनकी जो अलाउंसेस है वो सिक्योर है. तो हम कह सकते हैं कि कल को अगर कोई भी जज बन के जाता है तो उन्हें इस बात का खतरा नहीं होगा कि अगर मान लो उन्हें कल को किसी भी एमपी के खिलाफ या फिर किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है कोई भी गलत स्टेटमेंट दिया, मतलब कुछ भी स्टेटमेंट दी, कोई भी जजमेंट दी जो कि लॉ के हिसाब से सही होनी चाहिए. ठीक है, ये नहीं गलत हो कि लॉ के हिसाब से जो भी उन्हें जजमेंट दी है वो सही है, बट उन्हें इस बात का डर है कि भाई कल को मुझे कोई जॉब से ना निकाल दे, मुझे कोर्ट से ना निकाल दे, तो उन्हें इस डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप इंडिपेंडेंट हो, आपको लॉ के हिसाब से आपको काम करना है, आपकी ड्यूटी यही है, बिकॉज आपकी जो जॉब है, आपका जो टेन्योर है, उसे सिक्योर कर दिया गया है. ठीक है, तो इस चीज़ को जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया, मतलब कल को अगर पार्लियामेंट चाहे अगर इस चीज़ को करना तो नहीं कर सकती अमेंड. नेक्स्ट केस आया था कि हो तो होलोन केस 1993 में, जिसको बेसिकली डिफेक्शन केस कहा जाता है. तो यहाँ पे भी बोला गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और इंडिया में इंडिया जो कि सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्ट्रक्चर है उसको आपको इंटेक्ट करके रखना है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका रघुनाथ राव केस 1993 में आया था, जिसने प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना लिया, यानी कोई भी पर्सन के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, इक्वालिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, और साथ साथ इंटीग्रिटी जो है एंड यूनिटी जो है इंडिया को उसको बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया. नेक्स्ट है एस आर बुमई केस 1994 में आया था, जिसने फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, सोशल जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू, तो इन सबको जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया. तो अब आप यही सोच रहे होंगे कि हर बार एक चीज़ की रिपीट हो रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं जब ये केसेस जो है मतलब जुडिशरी के पास आते हैं, तो जुडिशरी हर एक एंगल से उसको जो है जज करने की कोशिश करती है. तो जब ये बेसिकली केस आया होगा, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट लगी होगी, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को लगता होगा कि भाई पार्लियामेंट इसको हार्म पहुँचा सकती है, या फिर कहीं ना कहीं जो है पार्लियामेंट के द्वारा इसको हार्म पहुँचाया गया है, तो क्यों ना उसको बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया जाए, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या चीज़ है क्या नहीं है वो तुम्हारी जुडिशरी तय करेगी. तो आप देखोगे हर एक पर्टिकुलर जजमेंट के बाद जो जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को लगती है वो उसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना देती है, कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट भी है. मतलब आप देखोगे कि कोई भी ऐसी चीज़ जो है फालतू की नहीं आपको लगेगी कि भाई ये तो बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं होना चाहिए, तो नहीं, सारी चीज़ें जो ऐड की गई है वो अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है कि कल को अगर इसको हार्म पहुँचा दिया तो काफ़ी बेसिकली नुकसान हो सकता है. कैसे, अगर मान लो फेडरलिज्म है, ठीक है, अगर आप कोई भी पर्सन जो है इस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकता भाई फेडरलिज्म को भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया, क्यों नहीं बना सकते, बिकॉज फेडरलिज्म एक इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है डेमोक्रेसी का. बिकॉज अगर आप अच्छे से चाहते हो डेमोक्रेटिक कंट्री जो है काम करे, तो फेडरलिज्म का होना जरूरी है. अगर स्टेट और सेंटर के काम में जो है बैलेंस बना रहेगा, कोई ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा, तो कितनी अच्छे से यू नो हार्मनी क्रिएट होगी. तो कहीं ना कहीं भले जुडिशरी के पास पावर है कोई भी चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड करने की, बट कभी भी वो इस चीज़ को नेगेटिव वे में यूज़ नहीं करता. आपको देखेगा कि कोई भी चीज़ को आर्बिट्रेली वो बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं डालेगा. ठीक है, तो जुडिशरी ने जो जो चीज़ें उन्हें उस समय इंपॉर्टेंट लगी वो सारी चीज़ें उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड कर दी. नेक्स्ट देखते हैं एल चंद्र कुमार केस 1997,
यहाँ पे जो है पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और 227 की जो भी पावर है इनको बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया। 226 जहाँ पे हाई कोर्ट को पावर दी गई है कि वो बेसिकली रिट इशू कर सकते हैं, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की पावर भी जो है यहाँ से मिलती है उनको, ठीक है। और 227 की बात करें तो पावर ऑफ सुपर इंटीडेंस ओवर ऑल दी कोर्ट बाय दी हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के अंदर जो भी स्टेट के अंदर देखो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, सेशंस कोर्ट आ गए, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, तो उनके ऊपर सुपर इंटेंडेंस होना चाहिए, यानी उन पर निगरानी होनी चाहिए, उन पर अपना कंट्रोल होना चाहिए। ये पावर जो इस हाई कोर्ट को दी गई है, ठीक है, तो इस पावर को कल की डेट में कोई भी गवर्नमेंट जो है उसको छीने ना, इस चीज़ के ऊपर जो है बेसिकली इसको रोकने के लिए इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट है इंदिरा स्वानी 2 केस आया था 2000 में, जहाँ पे बोला गया प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। उसके बाद ऑल इंडिया जज केस एसोसिएशन 2002 में आया, जहाँ बोला इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए, जुडिशियल सिस्टम जो एक इंडिपेंडेंट है। फिर आया कुलदीप नायर केस 2006 में कि डेमोक्रेसी एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। नेक्स्ट है एम नागराज केस 2006 में आया था, जहाँ पे वही प्रिंसिपल इक्वालिटी को फिर से बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट उन्होंने कहा। नेक्स्ट है आई आर कोलो केस 2007 में आया था, पॉपुलरली नोन एज 9th शेड्यूल केस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, प्रिंसिपल और एसेंस अंडरलाइनिंग फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, प्रिंसिपल इक्वालिटी, इन सभी चीज़ों को फिर से जो है जुडिशियल रिव्यू का पार्ट बनाया गया। राम जेठमलानी केस 2011 में आया था, जिसमें बोला गया पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 यानी 32 के अंदर जो रिट इशू करने की जो पावर है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। नमित शर्मा केस 2013, इसमें बोला गया फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। एंड नेक्स्ट है मद्रास बार एसोसिएशन केस 2014, जहाँ पे अभी जुडिशियल रिव्यू एंड पावर जो है हाई कोर्ट की अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट उसको बनाया गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आपके लक्ष्मीकांत में मेंशन की गई हैं वहीं से मैंने इस टेबल को यूज़ किया है, एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर है और क्या नहीं। बिकॉज इससे पहले हम जब भी चैप्टर्स पढ़ते थे, जब भी मैंने आपको बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर ये है, बेसिक स्ट्रक्चर वो है, बट हमेशा मैंने आपको ये कहा कि जब भी बेसिक स्ट्रक्चर चैप्टर आएगा तब आपको बता दिया जाएगा कौन कौन सी चीज़ें जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर है कौन सी नहीं है। तो फाइनली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी कौन कौन सी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर है नहीं है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट केसेस आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं, अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी हम देखेंगे भी कुछ क्वेश्चन आपको जब मेंस के लिए प्रैक्टिस करने को देंगे, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट को ही कोट करना है और हमेशा थोड़ी बहुत चीज़ें आपको याद रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है आपकी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, सो दैट आप जब भी आंसर्स लिखोगे तो आप उन चीज़ों को उसमें लिख सकते हो, ठीक है। और क्योंकि हमने इसे इतना ज़्यादा पढ़ लिया तो आई एम श्योर आपको इसको लर्न हो गया होगा, बट फिर भी आप इसको हमेशा गो थ्रू करना जब भी आपको टाइम मिले, तो जस्ट आपकी मेमोरी के अंदर रहना चाहिए, इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये चीज़ें इतनी फैक्चुअल हैं कि आप अगर एक दो बार से देखोगे तो आपको बेसिकली इसे ये सब याद हो जाएंगी, ठीक है। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट जजमेंट और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी वो आपको बस ध्यान रखना है, सारी की सारी केसेस में कौन कौन सा था वो सब याद रखने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है, छोटा ही चैप्टर था बेसिक स्ट्रक्चर का, और जो भी इंपॉर्टेंट हमने केसेस देखे थे कैसे इवोल्यूशन हुआ बेसिक स्ट्रक्चर का, वो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम देखते हैं एमसीक्यूज़। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वन है बाय अमेंडमेंट पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है द पावर टू अमेंड डज नॉट इंक्लूड द पावर टू एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये दोनों स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, तो आपको बताना है कि ये इंडिविजुअली दोनों करेक्ट हैं या नहीं है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। सेकंड क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग केस प्रमोटेड द पार्लियामेंट टू इनएक्ट 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो किस केस की वजह से पार्लियामेंट जो है प्रमोटेड हो गई थी कि उसको 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा, ठीक है, तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, विच वन ऑफ द फ्लोइंग अमेंडमेंट्स इंसर्टेड प्रोविजन सेइंग दैट नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368। तो कौन सी थी अमेंडमेंट बतानी है, 42nd, 44th, 24th या 22nd, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेज डाउन वट इज द बेसिक स्ट्रक्चर इज। सेकेंड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एलिब्रेटली डिफाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ डिफाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉट द पार्लियामेंट हैव डिफाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन है, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंस अ जजमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड इन द पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल अमेंड नहीं कर सकती है, तो ये किस केस में बेसिकली उन्होंने कहा था, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको कह रही थी कि जो सारे केसेस आपको बताए गए कि किस तरह से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ, ये प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट आपको मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आपको आप देखेंगे अभी हमने मेंस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप जब उन्हें लिखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये सारे डाटाज को डालने के लिए लिखने के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेगी, तो इन सारे केसेस को आपको अच्छे से डिटेल में याद होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ की, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर वॉज लेट डाउन अंडर आर्टिकल 368 बाय। पहला द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951,
24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 या फिर 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 या 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। तो उसमें से करेक्ट क्या है वो बताना है। तो ये 6 क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, मेंस के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कैसे शुरू हुई केशवानंद भारती केस से, ठीक है। एंड डिस्कस इट्स एवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस इन स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी। तो आपको एवोल्यूशन बताना है कैसे कैसे शुरू हुआ, फिर पार्लियामेंट ने किस तरीके से उसको काउंटर करने के लिए अमेंडमेंट लेके आई है, एंड किस तरीके से वो जो है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इट मे वेल बी द केस दैट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज डिराइव फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट बट दैट स्केयरली मीन्स इट डज नॉट एग्जिस्ट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि आज भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, बट हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कौन डिफाइन करता है, जुडिशरी डिफाइन करती है, टाइम टू टाइम जो भी जजमेंट आती है, ठीक है। तो उस बिहाफ में आपको इसको एनालाइज करना और इसको लिखना है, ठीक है। बाकी अगर आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो कल की क्लास में जब इसका सोल्यूशन आपको बताया जाएगा तो आप अच्छे से इसको समझ लेना। थर्ड क्वेश्चन है, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हैज गॉन अ लॉन्ग वे इन इंश्योरिंग दैट द स्टेट डज नॉट सकमवेंट द इम्प्लिसिट फाउंडेशनल प्रिंसिपल इंश्राइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल। यानी कि इसमें बोला गया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसको काफ़ी एक लॉन्ग जर्नी तय करनी पड़ी है इस चीज़ को इंश्योर करने में कि जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से काम ना करे कि जो हमारी फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी जो बेसिक चेंजेस हैं उसको वो बेसिकली कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय ना करे अमेंडमेंट करके, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा है कि फाइनली जो केशवानंद भारती केस आया था तो एक 24 अप्रैल 1973 की डेट डिसाइड हो चुकी है कि इसके बाद से जो है बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी अमेंडमेंट होता है, कोई भी पर्टिकुलर लॉ लाया जाता है तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा, देखा जाएगा कि कोई भी लॉ जो है बेसिक स्ट्रक्चर का नुकसान तो नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड पावर है। तो यस, इस पर हमने भी बात की है, एंड इट कैन नॉट बी एनलार्ज्ड इनटू एब्सोल्यूट पावर पे आप उसे नहीं बना सकते। यानी कि इसको लिमिटेड पावर को अपने आप में एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया है हमारी जुडिशरी ने, इसलिए बनाया बिकॉज कहीं ना कहीं जो है पार्लियामेंट इसको एब्सोल्यूट पावर ना बना दें इस चीज़ को रोकने के लिए, ठीक है। इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन वेदर द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सपेंडिंग इट्स लिमिटिंग पावर। तो ये आपको बेसिकली एक्सप्लेन करना है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, एंड अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो हम कल की क्लास में जब इसका सलूशन करेंगे तो आपको आई होप क्लियर हो जाए, एंड फिर भी कुछ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, एंड आप इनके आंसर्स कमेंट में लिखना, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिएगा ताकि इसका फ़ायदा लोगों को मिले। एंड बहुत से बच्चे काफ़ी अच्छे कमेंट्स लिखते हैं कि हम बहुत अच्छा एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो बस आप लोगों की इसी सपोर्ट की ज़रूरत है सो दैट हम और ज़्यादा मेहनत करें एंड आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो है लेके आएँ, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।